आज हम लेक्चर नंबर 6 शुरू कर रहे हैं जिसका टाइटल है एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स को समझने के लिए मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन करता हूं। तुम मुझे अपना एक स्ट्रांग पॉइंट बताओ। मैं स्ट्रांग हूं, मैं पढ़ने में थोड़ा कमजोर हूं। वेरी गुड, तुम अपना एक स्ट्रांग पॉइंट बताओ। मैं हार्ड हार्ड वर्किंग हूं, होमवर्क पढ़ने में वीक है। वेरी गुड। तो ये जो दो पॉइंट मैंने आप लोगों ने मुझको बताया कि आप हार्ड वर्किंग हो और थोड़े पढ़ने में वीक हो, तो एक कमजोर है एक हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग तुम्हारा प्लस पॉइंट है और पढ़ने में कमजोर मतलब वीक तुम्हारा नेगेटिव पॉइंट है। अब इसी को क्या कहते हैं, एडजेक्टिव्स कहते हैं। तो हमारे बहुत सारे एडजेक्टिव्स हैं, हमारे बहुत सारी क्वालिटीज हैं, हमारे बहुत सारे डिस्क्रिप्शंस हैं हमारे बारे में। अभी दूसरी चीज और है कि आप कितने टॉल हो, आप कितने ऊंचे हो, आप शॉर्ट हो या ऊंचे हो, आप मोटे हो या पतले हो, समझ में आपको। तो ये भी चीज एडजेक्टिव्स ही मानी जाती। अभी हमारे सामने टेबल है, तो टेबल का कलर क्या है, टेबल की साइज क्या है, टेबल की क्वालिटी क्या है, ये पंखा है तो पंखे की क्वालिटी क्या है, पंखे की साइज क्या है, पंखे की कॉस्ट क्या है, कलर क्या है पंखे का, तो ये सारी चीजें क्या मानी जाती है, हमारी एडजेक्टिव्स मानी जाती है। इसको एडजेक्टिव्स बोलते हैं। तो किसी चीज के बारे में डिटेल मालूम करना, उसकी साइज, उसका कलर, उसका वेट या उसकी अच्छी क्वालिटीज, वो टिकाऊ है या नहीं, जो भी उसकी क्वालिटीज, और इवन उसके वीक पॉइंट को भी मालूम करना जरूरी है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव्स बोलते हैं। तो इंग्लिश में एडजेक्टिव्स की डेफिनेशन क्या है कि एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स और क्लैरिफाइज अ नाउन। एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स और क्लैरिफाइज अ नाउन, समझे ना। इट डिस्क्राइब्स नाउन बाय गिविंग सम इंफॉर्मेशन such as size, shape, age, color, origin, or material. समझ में आया? It also describes the nature of a noun or shows the kind and quality of a noun. Okay? Have you understood? So this is the definition in English. तो ये English में definition, लेकिन मैंने आपको हिंदी में समझा चुका हूँ। किसी भी नाम के बारे में, नाम मतलब कोई भी चीज हो, कोई भी इंसान हो, किसी के बारे में अगर कोई चीज डिस्क्रिप्शन दी जाए, उसके बारे में डिटेल दिया जाए, उसके कलर के बारे में, उसके साइज के बारे में, उसके वेट के बारे में, या उसकी क्वालिटीज के बारे में, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसकी क्वालिटीज के बारे में अगर डिस्क्रिप्शन दी जा रही है तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, एडजेक्टिव्स बोलेंगे। समझ में? इसको एडजेक्टिव्स बोलते हैं। एक बार फिर हम लोग इंग्लिश में डेफिनेशन देख लेते हैं एडजेक्टिव्स की। Adjective is a word that describes noun or clarifies a noun. Clarifies a noun. It describes noun by giving more information, such as size, shape, age, color, origin, and material. It also describes that the nature of a noun, the quality of a noun. It also describes the nature of a noun and the quality of a noun, or shows the kind and quality of a noun. समझ में? तो this is called adjectives. अब जब हम adjectives को देखते हैं, तो हम कुछ adjectives के बारे में और detail देंगे, जो मैंने आपको बताया कि adjective describe, adjective is a word. समझे ना? Adjective is a word. क्या करता है? By giving some information, such as size, shape, age, correct? Size, shape, age, color, origin, or material. It also describes the nature of a noun or shows the kind and quality of a noun. इसको adjectives बोलते हैं। अभी आगे चल के एक example हम लोग देख लेते हैं, समझे? कि कौन कौन से adjectives हैं, क्या क्या adjectives हैं? आप example देखो, मैं आपको example बताता हूँ, कि कौन कौन से adjectives हैं। जैसे adjectives of color कौन से हैं? कुछ एडजेक्टिव्स का कलर आपको पता है, कौन कौन से कलर्स होते हैं, कौन कौन से कलर, यहाँ पे तो कुछ कलर लिखे हुए, मैं आपको कलर के नाम बताता हूँ, कुछ कलर इधर है मेरे पास, बट आपको कुछ नए कलर्स को बताऊं आपके बारे में,
कुछ कलर्स, कौन कौन से कलर्स देखे अपने? ग्रीन, ब्लू, ब्लैक, वेरी गुड। यहाँ पे जो कलर्स लिखे हुए कौन से हैं? रेड, ग्रीन, येलो। कौन से कलर है? रेड, ग्रीन, येलो। उसके बाद हमारी कुछ फीलिंग्स है, फीलिंग्स। फीलिंग्स मतलब अपन महसूस करते हैं, कभी दुखी होते हैं, कभी खुश होते हैं, इसको फीलिंग्स बोलते हैं। तो कुछ फीलिंग्स रहते हैं, कभी हम लोग खुश हो जाते, कभी दुखी हो जाते। यहाँ पे फीलिंग्स कौन सी लिखी हुई है? सैड, अपसेट, एंग्री एंड हैप्पी। ये फीलिंग लिखी हुई है। और शेप्स भी होते हैं। ये जस्ट शेप, ये टेबल है, इसका शेप क्या है? ये मॉनिटर है, मॉनिटर का शेप क्या है? तो मॉनिटर हम लोग के शेप कौन कौन से होते हैं? स्क्वायर, राउंड, रेक्टेंगल, समझे ना, इस तरह से शेप होते हैं। इसके बाद अगर हम लोग साइज पे चलते हैं, साइज ऊंचा, लंबा, छोटा, तो यहाँ पे हमने कुछ साइज कौन सी लिखी है? फैट, थिन, स्मॉल, लार्ज, बिग, ये साइज लिखी हुई है। टच, कोई चीज को फील करना, मतलब टच करने के बाद पता चलता है कि कुछ हुआ है। तो कुछ टच कौन से होते हैं? अपन किसको टच करेंगे, जबान से कोई टच करे तो टेस्टी हो जाती है, या फिर हाथ में स्टिकी हो जाता है। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है टच में, वो स्टिकी है और टेस्टी है, समझे। फिर नेचर आते हैं हम लोग, नेचर, समझे ना। तो नेचर आदमी का अलग अलग रहता है, किसी का रूट नेचर रहता है, जो गुस्से वाला होता है, कोई एकदम गुस्से में रहता है, कोई किसी की सुनता नहीं। यहाँ पे भी नेचर के बारे में कुछ वर्ड है, सार्कास्टिक, लविंग, क्लेवर। फिर ओरिजिन, हम कौन से कंट्री से है या कौन सी जगह से, उसको ओरिजिन बोला जाता है। क्या बोला जाता है उसको? ओरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? ओरिजिन। ओरिजिन में आता है कोई इंडियन है, कोई अमेरिकन है, कोई ब्रिटिश है, या ओरिजिन से। फिर अगर हम एज के बारे में, ओके, और चीज के, उसकी एज के बारे में, कोई चीज है या तो नहीं होगी या उसकी एज क्या नहीं होगी या पुरानी होगी, तो हम लोग उसको भी बोलते हैं। ये नीम है या ओल्ड है, यहाँ पे नीम है, ओल्ड है, समझे ना। ये उसकी एज बताई जाती है, मेडिवल है, समझो, और एंशियंट है। ये बड़े बड़े वर्ड्स है उसके, कुछ एज इसमें नंबर में बताए जाते हैं। किसमें नंबर में बताए जाते हैं? 60, 60 ईयर्स, 40 ईयर्स, 30 ईयर्स। लेकिन कुछ चीजों के बारे में सिंपली ये बताया जाता है, जो अभी आया है वो नया है, जो थोड़ा पुराना हुआ है तो पुराना। तो क्या कहते हैं? नेम, ओल्ड, मेडिवल और एंशियंट। इसके बाद हम लोग नीचे आ जाते हैं, क्वालिटीज के बारे में देखते। क्वालिटीज तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास भी कुछ क्वालिटीज होती है। क्वालिटीज देख के ही लोग हमको पसंद करते हैं, या हम किसी चीज की क्वालिटीज को देख के ही उस चीज को पसंद करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, हमारी लाइक और डिसलाइक किस पे डिपेंड करती है? क्वालिटीज पे डिपेंड करती है। तो क्वालिटीज में हम लोग देखेंगे कि आदमी कैसे इसके आना चाहिए, गुड होना चाहिए, नाइस होना चाहिए, और उसका मतलब नेचर में वो ब्यूटीफुल भी होना चाहिए। ये उसकी क्वालिटीज है, नेचर में लुक में ब्यूटीफुल भी, और नेचर में भी वो ब्यूटीफुल होना चाहिए, नाइस होना चाहिए, मतलब किसी से मिले तो अच्छा लगे मिलने के लिए। तो ये तीन क्वालिटीज यहाँ पे कौन सी लिखी हुई? गुड, नाइस एंड ब्यूटीफुल। समझ में, कि गुड, नाइस एंड ब्यूटीफुल। नीचे अगर हम जाते हैं तो टाइम के बारे में, हम टाइम के बारे में बोलते हैं कि कौन सी चीज हम लोग वीकली खरीदते, कोई चीज मंथली खरीदते, कोई चीज ईयरली करते हैं। तो जैसे टाइम है, तो मंथली, डेली, वीकली, ये क्या है? टाइम बताता है। मंथली, डेली, वीकली, ये भी एडजेक्टिव्स ही माने जाते हैं, समझ में आपको। इसके हिसाब से दूसरी और क्या चीज है? ओपिनियंस। ओपिनियंस में हम लोग देखेंगे क्या ओपिनियंस, मतलब हम, हमारा ओपिनियन क्या है, ओपिनियंस क्या है, वो आदमी कैसा दिखता है, नेचर का कैसा है, दिखने में कैसा है, और नेचर का कैसा है। तो कोई कभी लड़की रहेंगी तो मतलब बहुत हॉट है, या कोई चीज बहुत हॉट है, ये चीज थोड़ी हॉट है, या कोई पीछे प्रिटी है, या हैंडसम है। इंसान के बारे में हम लोग अभी किसके बारे में बात कर रहे हैं? इंसान के बारे में, हॉट, प्रिटी और हैंडसम। फिर इसके बाद हम लोग आएंगे कि मटेरियल, कोई चीजों का चीज खरीदने जाते हैं तो उसके मटेरियल के बारे में हमको पता करना है। कपड़ा खरीदने जा रहे हैं या कोई मेटल खरीदने जा रहे हैं तो उसका मटेरियल कौन सा है। तो मटेरियल जानने के लिए हमको क्या करना होता है, जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। कॉटन, सिल्वर, एल्यूमिनियम, ओके जी, समझे ना। तो ये उसके मटेरियल, कॉटन, सिल्वर, एल्यूमिनियम, समझे ना। तो ये उसके मटेरियल्स है। तो हमको चीजें अपने अभी यहाँ पे देखी कि ये सारे इतने सारे एडजेक्टिव्स अपने लिखे हुए, लेकिन हमको इसको यूज करना चाहिए, इसकी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी। और उसको प्रैक्टिस कैसा करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस करने के लिए सबसे पहले हम लोग लास्ट टाइम, लास्ट लेक्चर में हम लोग क्या किए, क्या कोशिश किया लास्ट लेक्चर में समझने की, हमने जो सेंटेंसेस लास्ट लेक्चर में बनाए वो नाउन के बनाए और इंसान पे बनाए। और कौन से क्वेश्चंस किए थे इंसान के ऊपर? उसका नाम क्या है, जैसा इनका नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, मेरा नाम क्या है, वो लड़के का नाम क्या है, वो लड़की का नाम क्या है। अब हम क्या कोशिश करेंगे
कि वही चीज को वही सेंटेंस को आगे बढ़ाए, वही सेंटेंस को आगे बढ़ाए और ये कोशिश करें कि हम लोग सेंटेंसेस बोलना शुरू करें सिर्फ इंसान के बारे में। जैसा पूछे मिस्टर राज है ये, हमने पूछे ही इज राज, अभी उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि राज टॉल है या शॉर्ट है। तो ही इज मिस्टर राज, ही इज टॉल, ही इज शॉर्ट, विल टॉक ऑन दैट, ही इज टॉल, ही इज शॉर्ट, उसकी प्रैक्टिस करेंगे। उससे पहले मैं एक चीज आपको समझाने की कोशिश, चीज देखते हैं हम लोग, एक चीज आपको मैं और दिखाने की कोशिश करता हूँ। इधर एक एग्जाम्पल है, अब एक आदमी बहुत टॉल है, बहुत हैंडसम है, बहुत खूबसूरत भी है, दिखने में बहुत एकदम इम्प्रेसिव है, लेकिन दिमाग का थोड़ा पागल है, गुस्से वाला है, परवाह नहीं करता है किसी की, ईमानदार नहीं है, आप उसको दोस्त बनाओगे? टेल मी लाउडली, दोस्त बनाओगे? तो क्या देखा आपने, क्या देखा आपने कि हमने, तुमने उसकी क्वालिटीज देख ली कि वो दिखने में तो अच्छी क्वालिटीज है उसकी, उसके एडजेक्टिव्स दिखने में बहुत अच्छे है, है ना, उसके एडजेक्टिव्स बहुत अच्छे है दिखने में, लेकिन वो ईमानदार नहीं है। दूसरे उसके एडजेक्टिव्स नेचर वाइज वो सही नहीं है, तो ऐसे को हम दोस्त नहीं बनाए। लेकिन एक अगर ब्लैक है, शॉर्ट है, थोड़ा मोटा है, लेकिन नेचर का बहुत अच्छा है, केयरिंग है, क्रिएटिव है, डायनामिक है, बहुत अच्छा है, तो उसको दोस्त बनाओगे? तो ये होते हैं एडजेक्टिव्स। आप समझ में आए तुमको? जब आप किसी को दोस्त बनाते हो या किसी को अपना फ्रेंड बनाते हो, कोई चीज पसंद करते हो, तो उसके एडजेक्टिव्स देखते हो, दिखने में अगर अच्छा है लेकिन क्वालिटी खराब है तो हम नहीं खरीदेंगे। समझो, कभी कभी ऐसा भी होता है कि क्वालिटीज बहुत अच्छी है, दिखता अच्छा नहीं है, तो भी हम लोग उसको पसंद नहीं करते। लेकिन अगर दोनों बराबर थोड़ा मैच कर जाए तो हम उस चीज को क्या करते, पसंद करते। तो यहाँ पे अभी जो लिखा हुआ है, यहाँ पे जो अभी लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, वो हम पढ़ के सुना दो मैं तुमको। क्या है कि एग्जाम्पल दिया गया, वुड यू लाइक टू हैव अ फ्रेंड, वुड यू लाइक टू हैव अ फ्रेंड हू इज टॉल फेयर, हू इज टॉल फेयर, हू इज टॉल एंड फेयर, बट क्या है वो, बट क्या है, सिली, एग्रेसिव, एरोगेंट, बोरिंग, केयरलेस, डिसऑनेस्ट, फूलिश, इंटरफियरिंग, जेलस, रूड और ओवर इमोशनल। ये चीजें उसमें है तो आप उसको पसंद नहीं करोगे, अगर वो टॉल भी है या फेयर भी है। लेकिन दूसरा एक एग्जांपल हमारा नीचे लिखा हुआ क्या है कि वुड यू लाइक टू हैव अ फ्रेंड, वुड यू लाइक टू हैव अ फ्रेंड हु इज शॉर्ट, ओके, हु इज शॉर्ट नॉट टॉल, हु इज शॉर्ट नॉट टॉल बट ब्रेव, काम, केयरिंग, काम, केयरिंग, क्या है, क्रिएटिव, क्रिएटिव, डायनामिक, फेथफुल एंड ऑनेस्ट, डायनामिक, फेथफुल, ऑनेस्ट एंड सेंसिबल। तो कोई चीज अगर आपकी ऐसी है जो आपको पसंद आ रही है, ये जैसे हमने दोस्त को देखा कि एक दोस्त टॉल है लेकिन उसके क्वालिटीज अच्छी नहीं, तो हम उसको पसंद नहीं करते। एक दोस्त शॉर्ट है लेकिन उसकी क्वालिटीज बहुत अच्छी है, हम उसको पसंद करते हैं। आप समझ में? अभी थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते, कुछ एडजेक्टिव्स देखते हो तुम मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे, ठीक है? अब यहाँ पे कुछ एडजेक्टिव्स है, समझ में, तुमको कुछ एडजेक्टिव्स उधर लिखे हुए हैं, हम उस पे प्रैक्टिस। एक एडजेक्टिव हम पहले देखते हैं, फर्स्ट एडजेक्टिव हम देखते हैं टॉल, क्या है, टॉल मतलब ऊंचा। अब इसकी सिर्फ प्रैक्टिस करते हैं। अब समझो आपको, आपको ये करना है कि इसको प्रैक्टिस करना है। अभी ये मिस्टर राज है, मैंने बताया था ये मिस्टर राज है, ही इज राज, आप मुझको बोलना वो ऊंचे हैं, ही इज टॉल, वेरी गुड, वो ऊंचे, ही इज टॉल, वो ऊंचे नहीं है, ही इज शॉर्ट, वेरी गुड, तुमने शॉर्ट बोल दिया, ही इज शॉर्ट, वर्ड शॉर्ट किया, लेकिन अपने नेगेटिव में कैसे बनेगा, ही इज टॉल, he is not short, correct, he is not short, he is tall, लेकिन अगर आपको बोलना है कि वो छोटे हैं, ऊंचे नहीं हैं, तो क्या बोलेंगे, he is not tall, he is short, he is not tall, he is short, very good, ये समझ में आया? तो इस तरह से अपने को प्रैक्टिस करनी है। जैसे अभी फैट, he is fat, he is not thin, he is fat, he is not thin, समझे, he is handsome, he is not ugly, he is handsome, he is not ugly, he is fair, he is not dark, he is fair, he is not
डार्क. समझ में ये पॉसिबल कर. ही इज एग्रेसिव. ही इज नॉट एग्रेसिव. He is aggressive. He is not aggressive. He is boring. He is boring. He is honest. He is honest. He is foolish. He is kind. He is mad. He is selfish. He is confused. He is dishonest. He is dishonest. He is weak. He is strong. He is healthy. He is healthy. He is brave. He is brave. He is courageous. He is courageous. He is clever. He is clever. He is smart. He is smart. He is lazy. He is lazy. He is careless. He is careless. आप समझ में. अभी क्वेश्चन करते हैं. Yes. ये क्या वो ऊंचा है? Yes. उसकी प्रैक्टिस करते हैं. Is he tall? Is he tall? Yes. क्या वो ऊंचे? Is he tall? Yes. Is he tall? Repeat. Is he tall? Is he tall? Is he tall? Is he tall? Is he short? He is short. Is he short? Is he short? Is he fat? Is he fat? Is he thin? Is he thin? Is he thin? Is he thin? Is he handsome? Is he handsome? Is he handsome? Is he handsome? Is he fair? Is he fair? Is he dark? Is he dark? Is he dark? Dark. Is he British? Is he British? मतलब गेहूं के कलर वाला. Yes. Is he British? Is he ugly? Is he ugly? Is he ugly? Is he ugly? Is he aggressive? Is he aggressive? Is he aggressive? Is he aggressive? Is he boring? Is he boring? Is he honest? Is he honest? Is he foolish? Is he foolish? Is he kind? Is he kind? Is he mad? Is he mad? Is he mad? Is he mad? Is he selfish? Is he selfish? Is he selfish? Is he selfish? Is he confused? Is he confused? Is he confused? Is he confused? Is he dishonest? Is he dishonest? Is he dishonest? Is he dishonest? Is he weak? Is he weak? Is he weak? Is he weak? Is he strong? Is he strong? Is he strong? Is he strong? Is he healthy? Is he healthy? Is he healthy? Is he healthy? Is he brave? Is he brave? Is he brave? Is he brave? Is he courageous? Is he courageous? Is he courageous? Is he courageous? Is he clever? Is he clever? Is he clever? Is he clever? Is he smart? Is he smart? Is he smart? Is he smart? Is he lazy? Is he lazy? Is he lazy? Is he careless? 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 अब ये चीज समझ में आई आपको? हम लोग ने थोड़े क्वेश्चन में, लेकिन अभी वापस आके हम लोग पहले सबकी मीनिंग तो नहीं समझे ना. Yes. आपने तो मेरे साथ सेंटेंस बोला, लेकिन प्रॉपर से आपको मीनिंग नहीं मालूम है. टॉल मतलब लंबा, ऊंचा लंबा. शॉर्ट मतलब छोटा. फैट मतलब मोटा. वेरी गुड. फैट मतलब मोटा. थिन मतलब पतले पतला. हैंडसम मतलब खूबसूरत, दिखने में बहुत अच्छा. फेयर मतलब गोरा. डार्क मतलब थोड़ा कलर में डार्क, ब्लैक बोल सकते हैं उसको. ब्रिटिश जैसे गेहूं का कलर है, ना गोरा ना काला. ओके. अगली एकदम बुरा दिखने वाले को क्या बोलते हैं? एक अगली बोलते हैं. मतलब जब कपड़ों में बाल उसके बिखरे हुए रहते हैं और कुछ अजीब दिखता है वो, कभी 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 पागल लोगों को देखते हैं ना, मेंटली थोड़े चैलेंज हो जाते हैं, प्रॉब्लम हो जाता है उनको, तो कपड़े उनके कैसे रहते हैं तो अगले दिखते हैं. एग्रेसिव क्या बोलते हैं उसको? अगली. ठीक है. एग्रेसिव मतलब हर चीज को जोश से करने वाला, उसको क्या बोलते हैं? हर चीज को करने के लिए तैयार होने वाला, जल्दी करने वाला, उसको एग्रेसिव बोलते हैं. बोरिंग आपको पता है? बोर करने वाला. ऑनेस्ट ईमानदार. फूलिश पागल. काइंड दिल का बहुत नरम. दिल का बहुत नरम. मैड पागल. सेल्फिश खुद का खुद सोचने वाला, खुद के बारे में सोचने वाला. कंफ्यूज कुछ समझता ही नहीं, क्या करूँ, हर बार सोचता है क्या करूँ, ये करूँ वो करूँ वो करूँ, इसको करूँ किसको करूँ, इसको कंफ्यूज बोलते हैं. डिसऑनेस्ट बेईमान. वीक कमजोर. स्ट्रॉन्ग ताकत वाला मजबूत. हेल्दी तबियत में थोड़ा मजबूत, ना फैट ना थिन, प्रॉपर हेल्दी, बीमारी से दूर, उसको हेल्दी बोलते हैं. जो बीमारी से दूर होता है उसको हेल्दी बोलते हैं. ब्रेव बहादुर. समझे? करेजियस मतलब कोई बहादुर एक होता है जो लड़ने में, ब्रेव उसको बोलते हैं. और करेजियस किसको बोलते हैं? कोई काम डिफिकल्ट लगा तो भी करने के लिए तैयार होता है उसको करेजियस बोलते हैं. कोई जिसको ना नहीं बोलता है, कोशिश करता है, हिम्मत करता है, उसको करेजियस बोलते हैं. पढ़ने में भी कहते हैं मैं करके दिखाऊंगा, मैं कुछ चीज करके दिखाऊँ, उसको करेजियस बोलते हैं. और स्मार्ट स्मार्ट आपको मालूम है. लेजी सुस्त. केयरलेस लापरवाह. किसी
लापरवाह, कुछ काम में परवाह। तो आज हमने जो एडजेक्टिव्स देखे, ये सारे एडजेक्टिव्स देखे, इसकी हमको प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट सेशन में हम इसकी क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। अभी आपने समझ में आया कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स वो होते हैं जो किसी चीज के बारे में अपने को डिस्क्राइब करते हैं, उसकी डेफिनेशन देते हैं। तो इंग्लिश में उसको बोलते हैं एडजेक्टिव्स डिस्क्राइब्स और क्लैरिफाइज नाउन। एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स और क्लैरिफाइज नाउन, उसको क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव्स बोलते हैं। और आपको नाउन तो पता है, बहुत सारे नाउन है, हर चीज नाउन है। तो हर चीज की कोई ना कोई साइज है, कोई ना कोई वेट है, कोई ना कोई कलर है, फिर उनकी कुछ नेचर में उनकी इनर कुछ क्वालिटीज है, समझे? इस सबको क्या कहते हैं? एडजेक्टिव्स बोलते हैं। तो हम लोग इस लेक्चर को इधर रोकते हैं और कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर में इसको और प्रैक्टिस करें। जैसा स्मार्ट है तो ही इज स्मार्ट, शी इज स्मार्ट, इज शी स्मार्ट, इज ही स्मार्ट, बात करेंगे हम लोग। इज शी स्मार्ट, इज ही स्मार्ट, तो आंसर ऐसे करेंगे, ही इज नॉट स्मार्ट, he is not smart, yes. he is smart. क्या बोलेंगे? he is lazy, yes. he is weak, yes. he is lazy, he is weak, जो बोले, he is foolish, yes. ये बोल सकते हैं, he is foolish और पागल है, yes. he is confused, yes. he is confused, selfish. he is selfish, yes. very good. इसकी practice करेंगे आप भी, ये words की practice घर पे, ठीक है? तो इतना आज लोग लिखते हैं lecture को, okay? we'll finish the lecture here.